हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं चौथा चैप्टर। केमिस्ट्री की पहली बुक का है चौथा चैप्टर, जिसे कहते हैं रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में रासायनिक बलगतिकी, अभिक्रियाओं की बलगतिकी के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएँ किस तरह से संपन्न होती हैं। तो इस चैप्टर के पढ़ने से पहले ये बात जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में इतना तो आप जान चुके हैं कि बे अभिकारक पदार्थ जो पुनः लौटकर अपनी स्थिति में वापस नहीं आते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। दूध से दही तो बन सकती है, लेकिन दही से दूध कभी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होने के बाद जो पदार्थ बनता है वो पुनः लौटकर अपनी स्थिति में नहीं आता है। तो रासायनिक पदार्थ जब बनता है, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो उनकी स्पीड, उन पर ताप का और दाब का और उन पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी स्पीड से, यानी के दर या वेग से संपन्न होती हैं और कैसे संपन्न हो जाती हैं। जैसे आप इस समय चल रहा है गर्मियों का मौसम, खाने को ज़्यादा देर तक कहीं पर खुला रख दें, रूम टेम्परेचर पर ही, कमरे के तापमान पर रख दें, तो कई प्रकार के खानों को जब हम रखते हैं तो क्या होता है, कोई खाने की वस्तु जल्दी से ख़राब हो जाती है और उसमें रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से हुई। क्यों ख़राब हो गई, कितना तापमान था, क्या कारण था, क्या उसमें मिला रखा था जिसके कारण वो ख़राब हो गया। कोई खाना ऐसा होता है जो कुछ समय के बाद ख़राब होगा। जब खाना ख़राब हो जाता है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन ला देते हैं और रासायनिक परिवर्तन के कारण खाने में महक आने लगती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो परिवर्तन होते हैं, कितनी तेज़ी से होते हैं, कितनी धीमी से गति से होते हैं, उन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्रता कितनी है, ज़्यादा गाढ़ा है तो सांद्र होगा, तनु है तो वो अपने हिसाब से, जैसा भी प्रभाव हो उस प्रभाव के कारण ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित किया जाता है। तो चलिए जो बोर्ड पर लिखी हुई बात है इसको पढ़ते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का मतलब होता है रेट या दर, कितनी स्पीड है उसके बनने की, या तो कोई भी चीज़ बन रही है तो कितनी स्पीड से बन रही है और किसके कारण बन रही है। कारण होते हैं जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं की दर पर विभिन्न कारकों, जैसे सांद्रता, वो विलयन या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में लिया गया अभिकारक कितना सांद्र या तनु है, उस पर ताप, कितना ताप दिया जा रहा है, दाब कॉमा उत्प्रेरक आदि के प्रभाव की क्रियाविधि क्या है, क्यों ये खराब कर देते हैं या क्यों ये रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र या मंद गति से संपन्न करते हैं का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अब रासायनिक बलगतिकी को डीपली पढ़ने से पहले हम क्या जानेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाओं के 6 प्रकार होते हैं, योगात्मक होती है, ऑक्सीकरण होती है, अपचयन होती है और विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं और बहुत वगैरह, 6 प्रकार होते हैं। लेकिन इस रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के अनुसार आपको 3 प्रकार की अभिक्रियाएं बतानी होंगी, क्योंकि अभिक्रिया कितनी तेज़ी से हो रही है, कोई अभिक्रिया बहुत तेज़ी से संपन्न हो जाती है, कोई बहुत धीमी से और कोई बहुत ही धीमी गति से। धीमा एक होना है कि चलना और एक ऐसा होता है कि बहुत धीमा चलना। तो अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर एक तीव्र अभिक्रियाएं,
तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाओं में क्या लिखेंगे? बेरासायनिक अभिक्रियाएं, बेरासायनिक अभिक्रियाएं, जो अति शीघ्रता, अति शीघ्रता से संपन्न होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं, ये हो गया बेरासायनिक अभिक्रियाएं जो अति शीघ्रता से यानी कि बहुत जल्दी संपन्न हो जाती हैं, जिनमें अभिकारक अणु बहुत ही जल्दी से उत्पाद में बदल जाते हैं। तीव्र गति से किस में बदल जाते हैं? उत्पाद में। पहले जो हम उत्पाद कोई भी वस्तु लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं और एरो के बाद में बनने वाला उत्पाद कहलाता है। अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट और बनने वाले उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण, उदाहरण में लिखेंगे हाइड्रोजन व क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में रखने पर, रखने पर अति शीघ्रता से, अति शीघ्रता से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ अलग अलग अगर बर्तन में भी रखेंगे और मिला दें तभी तो इसे सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो अति शीघ्रता से क्या बन जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर H2 plus Cl2 और बनेगा क्या? 2HCl, और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश में। यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। ये दोनों कहलाते हैं अभिकारक, अभिकारक, और ये बनाया आपका उत्पाद। इसको कहते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट, और ये होता है आपका प्रोडक्ट। क्योंकि आप मैन्युफैक्चर करेंगे, कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करेंगे तो उस पहले कच्चे माल से जिस चीज़ को बनाएंगे उसका मैन्युफैक्चर करने के बाद में आपका प्रोडक्ट ही तैयार होगा। चाहे आप कुछ भी बनाए, चाहे वो प्लास्टिक के बर्तन हो और चाहे किसी वो धातु के बर्तन बनाए जाएं। तो रिएक्टेंट को, दो रिएक्टेंट लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, दोनों गैसें हैं तो दोनों सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो बहुत तेज़ी से उत्पाद प्राप्त होता है किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का। यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में आ जाती है दूसरी अभिक्रिया, मंद अभिक्रियाएं, मंद। पहले तो तीव्र, उसके बाद मंद, फिर अति मंद अभिक्रियाएं। यहां पर दूसरी हेडिंग डाल लें, मंद अभिक्रियाएं। तो इसमें लिखेंगे बेरासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? बेरासायनिक अभिक्रियाएं जो धीमी गति से
संपन्न होती हैं। मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहां पर दिया गया है मंद अभिक्रिया बे रासायनिक अभिक्रियाएं जो धीमी गति से, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं, धीमी गति से संपन्न होती हैं, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल दे दें, यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ भी आप दे सकते हैं। बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं जो मंद गति की होती हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख दें उदाहरण, उदाहरण लिखेंगे उदाहरण में, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के मिश्रण को, मिश्रण को आयरन, आगे लिखेंगे उत्प्रेरक आयरन ऑब्लिक मोलिबेडनम की उपस्थिति में गुजारने पर धीमी गति से, गति से अमोनिया NH3 का निर्माण होता है, होता है। क्या होता है? जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को उत्प्रेरक आयरन ऑब्लिक मोलिबेडनम के मिश्रण से गुजारते हैं तो हमारी धीमी गति से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होंगे? आपके अभिकारक अणु। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? N2+H2, और ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे आयरन ऑब्लिक मोलिबेडनम। यहाँ पर यह बताया जा रहा है अभिक्रिया स्पीड कितनी है, कितनी तेजी से होती है और कितनी धीमी गति से होती है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके अभिकारक, दोनों अभिक्रिया करने वाले हैं, इनके अभिकारक के संयोग से बनेगा अमोनिया गैस, अमोनिया बनेगा और ये बनेगा आपका उत्पाद, उत्पाद बन जाएगा। अब यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कर देंगे आप दो, जो क्योंकि हमने दो लिए हैं। नाइट्रोजन द्विपरमाणविक अणु है, द्विपरमाणविक अणु है, तो H2 यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 × 6 हो गए हाइड्रोजन, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। ये अभिक्रिया है कि यह धीमी गति से होती है, ज़्यादा शीघ्रता से नहीं होती है, और शीघ्रता से होती तो किस में आ जाती? तीव्र अभिक्रिया में। अब अंतिम अभिक्रिया आ जाती है आपकी रासायनिक बलगति के अनुसार, अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाओं में आपके लिए होगा सबसे पहले की अभिक्रिया में कितनी मंदता आ गई है। तो नंबर थर्ड, अति मंद अभिक्रियाएं जो बहुत ही धीमी गति से होती हैं, बहुत ही धीमी गति से लिखेंगे बेरासायनिक अभिक्रियाएं, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जो अति मंद गति से, अति मंद वेग से या गति से, वेग से, वेग से संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं, अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
ये हो गया आपके लिए क्या अतिमंद अभिक्रियाएं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, यानी उत्प्रेरक नहीं होना चाहिए, अनुपस्थिति में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से धीरे 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 की जगह पे लिखेंगे अति मंद वेग से H2O जल का निर्माण होता है। होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे उत्प्रेरक ना डाला जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब उत्प्रेरक ना डाला जाए कोई भी निकिल धातु की उपस्थिति अगर डाल दी जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से क्या बन जाएगा, जल। लेकिन यहाँ पर क्या है, बिना उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति वो भी किसकी, उत्प्रेरक की। यहाँ पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति होगी और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बहुत ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बहुत ही कम मात्रा में धीमी धीमी गति से जल का निर्माण होगा। अब आ जाएंगे अभिक्रिया के वेग या दर, अगली हेडिंग होगी आपकी अभिक्रिया के वेग या दर। अब आ जाएगी रासायनिक बलगतिकी की आपके मेन टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर। अब इसको रफ कर दें। तो यहां पर आपका हो जाए रासायनिक अभिक्रिया का वेग दर जिसे बोलते हैं, क्या होता है, अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर। तो आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग दर, रासायनिक अभिक्रिया के वेग और दर, वेग और दर को एक ही बात कहते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग की परिभाषा, दो प्रकार की दी गई है। पहले प्रकार के एकांक समय में, कोई एक एकांक समय हो, निश्चित समय, ऐसा नहीं हो समय को बदलते रहें, समय को जब बदलने की बारी आती है तब बदल लेते हैं। तो एकांक समय में अभिकारक, यानी अभिकारक जो पहले अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक अणु, या उत्पाद, जो उत्पाद बनता है, बनने के बाद जो प्रोडक्ट आपका तैयार होता है उसकी सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग दर कहलाती है। कहने का मतलब है कि एक समय में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या बनने वाले उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, माना ये कोई पेन है, अगर इसको थोड़ा सा हमने काट दिया तो इसको काटने में जितना समय लगा, या किसी आग में डालकर इसको इतना हिस्सा पिघला लिया और इतना फिर पिघलाया, तो इतना पिघलाने में लगा समय अभिक्रिया का वेग दर कहलाती है। ठीक है, और उसकी सांद्रता में इतना ही परिवर्तन हो जाता। अब ये इतने 4-5 इंच का है और इसमें से 1-2 इंच हमने पिघलाकर अलग कर दिया, तो इसकी सांद्रता इतनी क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, यानी कि ये इतनी अपघटित हो जाएगी। तो उसके बाद अथवा में भी एक डेफिनेशन दी गई है, कह रहा अभिकारक या उत्पाद, या तो पहले अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो जाए या बाद में बनने वाले उत्पाद में। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, अब ये अभिकारक या उत्पाद कितनी जल्दी अपघटित होकर किसमें, अभिकारक में चेंज हो रहा है या उत्पाद में चेंज हो रहा है, अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती है। कितनी स्पीड से अभिकारक की सांद्रता
परिवर्तित हो रही है जिससे उत्पाद बन रहा है या उत्पाद की सांद्रता इतनी परिवर्तित हो रही है तो उसकी दर अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती है। तो अभिक्रिया के वेग या दर को मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त किया जा सकता है। और सेकेंड में जो समय दिया गया है वो सेकेंड समय मिनट बा घंटों में भी हो सकता है। समय जो है वो मिनट या घंटों में हो सकता है। अब इसके लिए हम एक फार्मूला बनाते हैं कि क्या होता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी हो, यानी सांद्रता को सी से कंसंट्रेशन कहते हैं, सांद्रता को कंसंट्रेसी होती है तो डेल्टा सी। तो किसी अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी तथा अभिक्रिया में लगा समय डेल्टा टी हो तो दर बराबर, तो दर बराबर लिखेंगे कि डेल्टा अभिकारक अणु की सांद्रता में कैसे परिवर्तन हो रहा है और कितने समय में हो रहा है। तो लिखेंगे दर बराबर आर, तो लिखेंगे यहां पर दर बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे में आपका हो जाएगा अभिक्रिया में होने में लगा समय, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, कोई भी आप काम करेंगे, जैसे आप खाना ही बनाएंगे तो खाना बनाने से पहले उसको खाना कच्चे से पकने में जितना समय लगेगा तो उसकी सांद्रता परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ अभिक्रिया की दर को हम R से प्रदर्शित करते हैं, अभिकारक अणु की सांद्रता को डेल्टा C से प्रदर्शित करते हैं। तत्पश्चात इसकी अभिक्रिया में लगा समय डेल्टा टी कहलाता है। तो R बराबर हो जाता है डेल्टा C अपॉन टी। ये होता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। अब इसके बाद में आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग को अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए ये आपका पहले चौथे चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपका तैयार हो गया है। तो इसके बारे में आप जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर सांद्रता, ताप, दाब और उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रियाएँ किस तरह से कंप्लीट होती हैं, कितनी गति से कंप्लीट होती हैं और किसकी उपस्थिति के कारण कंप्लीट होती हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।